दोस्तों, हमारी दुनिया में दो तरह के बीइंग्स होते हैं, एक जो हमें दिखाई देते हैं और दूसरे वो जो अपनी इच्छा से हमारे सामने आते हैं। लेकिन वो एक ऐसे डायमेंशन में रहते हैं जो हमेशा हमारे सेंसेस के लिए इनविजिबल और अनपरसीवेबल होता है। फेरीज भी ऐसे ही मिस्टिकल बीइंग्स हैं जिनकी दुनिया हमें मैजिकल लगती है। आमतौर पर ये इनविजिबल ही रहते हैं, लेकिन समय समय पर लोगों का सामना इनसे होता आया है। यो 1927, ब्रिटेन में बेनार्ड स्ली और क्वेंटिन क्रॉफर्ड ने फेरीज इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी बनाई, जिसका मकसद दुनिया भर से फेरीज के सबूतों को इकट्ठा करना था। क्रॉफर्ड पहले फेरीज को कल्पना मानते थे क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे, लेकिन जब उनका सामना असली फेरीज से हुआ तब उन्होंने अपना जीवन इनकी खोज में ही बिताया था। इस सोसाइटी की सेक्रेटरी रही मार्जोरी जॉनसन एक फेरीसियर थी जिन्होंने कई बार फेरीज को देखा था। साथ ही इनके पास दुनिया भर से लोगों के लेटर्स आते थे जिनका एनकाउंटर फेरीज से हुआ था। जॉनसन ने हमेशा ये किस्से लोगों के साथ शेयर करने की चाहत रखी, लेकिन उस दौरान भी बहुत से लोग फेरीज पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए जॉनसन ने ये सारी सच्ची घटनाएं एक बुक में कंपाइल करके अपने पास रख ली। आज के एपिसोड में इन्हीं सीक्रेट फाइल्स में मौजूद फेरीज के कुछ रियल एनकाउंटर्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहला किस्सा 1980s का है, जब एक 20 वर्षीय लड़की का सामना असली फेरीज से हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया में कूपर्स लेक मौजूद है, जहां हर साल दुनिया भर से लगभग 10,000 लोग पेंजिक नाम का त्योहार मनाने आते हैं। ये लोग लेक के करीब ही कैंप करते हैं और यहां लगभग 2 हफ्ते मिडिवल कॉस्ट्यूम्स और तौर तरीकों के साथ ये त्योहार मनाते हैं। ये लेक सिटी से काफी दूर जंगल के बीच मौजूद है, जहां आज भी फेरीज के होने की बातें कही जाती हैं। केट हर साल इस इवेंट में जाती रही हैं। उस दौरान उन्होंने अपनी दोस्तों के साथ लोगों की भीड़ से थोड़ा दूर वुड्स में अपना कैंप लगाया था। केट अपनी फ्रेंड्स के साथ जंगल को एक्सप्लोर करती, फेस्टिवल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती और लेक में नहाने के लिए जाती थी। एक दिन अपने कैंप के रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। जल्दी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अजीब बींग्स जंगल से गुजर रहे हैं। ये लोग इंसान जैसे ही थे, लेकिन इंसान नहीं। केट ने लिखा कि ये सब देखकर वो बेहद हैरान थी। वो तुरंत ही अपने कैंप में लौट गई और अपनी फ्रेंड्स को ये सब बताया। ये सुनकर उनकी फ्रेंड भी चौंक गई, क्योंकि उसने भी कुछ देर पहले ऐसे ही बींग्स उसी जगह पर देखे थे, लेकिन इस घटना को उसने हेलुसिनेशन माना था। अब केट और उनके फ्रेंड्स ने इस जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। ये लोग जल्दी एक अबैंडन्ड घर के करीब पहुंच गए, जो उस साइट के पास ही था जहां केट ने वो बींग्स देखे थे। केट के दोस्त उस घर में जाने लगे, तभी पता नहीं क्यों लेकिन केट ने उनसे कहा, डू नॉट गो इन देयर। उन लोगों ने भी केट की बात मान ली और अपने कैंप में वापस आ गए। अब फेस्टिवल खत्म हुआ और सब अपने घर वापस चले गए। कुछ सालों बाद फिर से केट अपने फ्रेंड्स के साथ उस फेस्टिवल में पहुंची। एक दिन अपनी दोस्त लूना के साथ बैठकर वो बातें कर रही थी, तभी उन दोनों को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पास कुछ लाइट्स हवा में तैर रही हैं। अचानक केट को आवाज सुनाई दी, ह्यूमंस गेट ऑफ माय लैंड। लूना ने बताया कि वो किसी हॉबगोब्लिन के करीब हैं। ये दोनों वहां से जाने लगी, तभी लूना को आवाज सुनाई दी, द वंस इन द हाउस वर वेरी एंग्री। लूना कंफ्यूज थी कि वो किस हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन केट सब कुछ समझ चुकी थी। वो दोनों वहां से तुरंत वापस चली गईं। अगला किस्सा रॉबर्ट का है, जिनके जीवन में फेरीज का हमेशा से ही महत्व रहा है। 1990s में रॉबर्ट मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहते थे। अपने ड्रीम जॉब के लिए वो दिन रात ऑफिस में मेहनत करते। तेजी से चलती लाइफ में रॉबर्ट को अपने खूबसूरत घर के पीछे मौजूद विल्डरनेस को एक्सप्लोर करने का समय ही नहीं मिला। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इलनेस की वजह से वो काम पर नहीं जा सके और उनकी जॉब भी चली गई। अब अकेले वो अपने घर में समय बिताते और अक्सर गार्डन एरिया में जाकर बैठते थे। एक दिन जब वो अकेले बैठे हुए थे, तब उन्हें आवाज सुनाई दी, बी योरसेल्फ, डू व्हाट यू लव एंड यू विल बी हील्ड। इस आवाज के बाद अचानक उन्हें ऐसा जॉय फील हुआ जो तब से पहले कभी नहीं हुआ था। वो समझ नहीं पाए आखिर ये सब क्या है। अगले दिन वो फिर उसी जगह पहुंचे और तभी उन्हें वो जॉय की फीलिंग आने लगी। इस बार उन्होंने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें अचानक गोल्डन पार्टिकल्स दिखाई देने लगे। उन पार्टिकल के साथ ही अपीयर हुई एक फेरी, जिसे देखते ही रॉबर्ट हैरान रह गए। रॉबर्ट समझ गए कि फेरीज उनकी मदद करना चाहती हैं। उसी रात उन्हें सपना आया कि वही फेरी उन्हें हील कर रही है। दूसरी सुबह जब वो उठे तब उनकी तबीयत एकदम ठीक थी।
और वो अपने काम पर वापस जा सके। इसके बाद से रॉबर्ट को समय समय पर फेरिस का गाइडेंस मिलता रहा। दोस्तों अगला किस्सा ईयर 2000 का है। आयरलैंड में पढ़ने गई डोना अपने रूममेट्स के साथ एक घर में रहती थी। ऑफ डेज में वो सभी अक्सर थोड़ी दूर मौजूद जंगल को एक्सप्लोर करने जाते थे। डोना को वो जंगल बेहद रहस्यमय लगता था, लेकिन शाम होने से पहले वो लोग हमेशा वापस आ जाते थे। डोना को कैंपिंग बेहद पसंद थी, लेकिन आयरलैंड आने के बाद उन्होंने कैंप नहीं किया था। एक बार कॉलेज से छुट्टी मिलने के बाद रूममेट्स ने उसी जंगल में जाकर रात भर कैंप करने का फैसला किया। डोना इस ट्रिप के लिए बेहद एक्साइटेड थी। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप के लिए निकली। एक लड़की ने डोना से कहा कि वो अपने साथ कोई भी मेटल ना ले जाए। डोना को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। ये लोग जल्दी जंगल के अंदर तक पहुंच गए, जहां डोना को एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। डोना की फ्रेंड ने बताया कि ये एक फेरी ट्री है। आयरलैंड में ऐसे कई पेड़ मौजूद हैं जहां फेरीज के रहने की बात कही जाती है। डोना इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराकर बात को टाल दिया। दोपहर का समय था। पास मौजूद लेक में डोना ने स्विम करने का फैसला किया। जब तक बाकी लोगों ने कैंप सेटअप कर लिए थे, अब सभी फ्रेंड्स ने मिलकर एक दूसरे को स्टोरी सुनाना शुरू किया। बातों बातों में रात का समय हो गया था। अब डोना के फ्रेंड्स सोने चले गए, लेकिन डोना को नींद नहीं आ रही थी। डोना बाहर उस पेड़ के करीब आई तो उनके सामने का नजारा जादुई था। उन्होंने देखा कि आसपास सभी जगह फेरीज ही फेरीज मौजूद हैं। उन्होंने कुछ फेरीज को उस पेड़ के ट्रंक में जाते देखा। जब डोना ने पेड़ के अंदर देखा तो वहां फेरीज का घर मौजूद था। डोना को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हों। जल्द ही सब कुछ पहले की तरह थम गया और डोना वापस कैंप में आ गई। सुबह उन्होंने अपने फ्रेंड से माफी मांगी और एक्सेप्ट किया कि वो गलत थीं। उन्होंने कहा फेरीज एग्जिस्ट करती हैं और अब उन्होंने अपनी आंखों से फेरीज को देख लिया है। उनकी फ्रेंड ने उनसे कहा कि फेरीज जिसे चाहती हैं उसे दिखाई देती हैं। वो मेटल से दूर रहती हैं, इसलिए उसने डोना को मेटल लाने से मना किया था। उसने कहा फेरीज शायद डोना का भ्रम दूर करना चाहती थी, इसलिए वो डोना के सामने आई थी। दोस्तों किसी भी और मिस्टिकल क्रीचर की तरह ही फेरीज का अस्तित्व आप पर निर्भर करता है। अगर आप इन पर विश्वास करें तो ये हैं, वरना ये आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। दोस्तों ये फेरीज का तीसरा एपिसोड था, जिसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मिलने की वजह से बनाया गया है। अगर आपको फेरीज के असली किस्सों के बारे में जानना पसंद है तो हम आपके लिए ऐसे ही एपिसोड्स लाते रहेंगे। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।